अस्सलाम वालेकुम जी, यानी अस्सलाम मदद। मेरा नाम सैयद मूसा काज़िम बुखारी है और आप देख रहे हैं अरबईन 2023 की ब्लॉग सीरीज़। तो अभी मैं हूँ दुबई एयरपोर्ट पे। आप ये देख सकते हैं, ये दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का बिज़नेस लाउंज है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तकरीबन 4 घंटे में मेरी अगली फ़्लाइट है जो होगी नजफ़ अशरफ के लिए। इस बार प्लान ये है कि बस आपको दुबई दिखाना है, दुबई से सीधा नजफ़ पहुँचेंगे। नजफ़ जाके आपको दिखाएंगे एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है, किस तरह वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है, अरबईन में कितनी ट्रैफिक है, क्या है। तो उसके बाद हम सीधा पहुँचेंगे होटल नजफ़ में, वहाँ पे रेस्ट करेंगे थोड़ा सा और इंशाल्लाह आगे हम लोगों का मिशन है। क्योंकि अरबईन है और हर चीज़ जो है वो इतनी ओवर क्राउडेड होती है कि रिस्क फैक्टर होता है कि आई हैव टू मेक श्योर कि हर चीज़ जो है वो ठीक है, ज़ायरीन के हमारे रूम्स, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारी अरेंजमेंट्स जो हैं वो ऑन पॉइंट हो इंशाल्लाह, जो कि होंगी। तो साथ साथ रहिए, देखते रहिए। लाउंज ये फ्लाई दुबई वाला टर्मिनल है, ये टर्मिनल 2। तो टर्मिनल 2 का बिज़नेस लाउंज जो है वो किस तरह का है वो आपको दिखाता हूँ। आ जाए गाइस, यहाँ से हम लोग अभी ऊपर आए हैं और ये देखिए, ये है हमारा बिज़नेस लाउंज। ये देखिए, नॉट बैड। यहाँ पे एपेटाइजर्स भी अवेलेबल हैं, अगर कुछ लेना है अभी लेंगे हम लोग भी। ये देखिए जी, नाइस। तो ये देखिए, ये है दुबई का फ्लाई दुबई का बिजनेस लाउंज और वहाँ पे हूँ मैं बैठा हुआ। हेलो, तो एवरीबॉडी इज सुपर फ्रेंडली हियर माशाल्लाह। ये देखिए, तो अभी हम लोग बैठे हैं यहीं पे, ये देखिए। और तकरीबन है हमारे पास 3 घंटे हैं, तो 3 घंटों में बस यही रेस्ट होगा, थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज का टाइम हो जाएगा और उसके बाद फिर काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। कोशिश यही होती है मेरी, क्योंकि लेकिन मेरे खुद की मसरूफियात होती है, हमें बिज़नेस टू रहा, उसी बस अपनी कारोबारी मसरूफियात के अंदर टाइम नहीं मिलता ब्लॉगिंग का। लेकिन इंशाल्लाह इस साल मोटिवेटेड हूँ कि इस बार हमारा अरबईन का 2023 का, फिर हमारा जो उमरे का ग्रुप जा रहा है नवंबर में थैंक्स गिविंग पे, वो भी कवर करेंगे। और हम इंशाल्लाह दिसंबर में आयाम फातमिया पे ईरान और इराक दोनों ज़्यारात कर रहे हैं, हम वो भी कवर करेंगे ताकि एक तसलसल जो है वो बरकरार इस चैनल का और आप लोगों को भी देखने को कंटेंट मिलता रहे। बहुत शुक्रिया जो लोग अभी हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गोल ये है कि हमने अरबईन की सीरीज़ के अंदर अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो क्रॉस करने हैं। तो बहुत शुक्रिया जी। ये यहाँ पे पराठा है और साथ सब्ज़ी है, यहाँ पे भी कुछ है, सॉसेजेस और ऑमलेट है और यहाँ पे ये पैनकेक्स हैं। मज़े का काम है लेकिन हमारी मर्ज़ी की चीज़ है ये, तो हम ये लेंगे जी। गाइस, सो दिस इज़ व्हाट वी आर हैविंग। अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये देखिए जी, वहाँ से अभी खाना डाल के मैं इधर से आया हूँ और ये रहा खाना। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। तो ये पराठी का साइज़ भी देख लीजिए कितना है। ये देखिए मेरा हाथ है और ये पराठी है, तो ये पराठा नहीं होगा, इसको हम पराठी कहेंगे। और ये जो है वो आई थिंक 2-3 तो आराम से खाई जा सकती हैं। तकरीबन 1.5 घंटा रह गया फ्लाइट पे, हम लोग थोड़े देर रेस्ट कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छे उन्होंने ब्लैंकेट दे दिए थे और आराम से काफ़ी अच्छा रेस्ट हो गया। तो फ्लाइट जो है वो तो 1 घंटा एक्स्ट्रा डिले हो गई है, तो उसकी वजह से अभी 1.5 घंटा और है, तो वेट ही कर रहे हैं। जैसे ही फ्लाइट का टाइम करीब आता है इंशाल्लाह तो शुरू करते हैं अपना सफ़र। ये है नजफ और ये डिले हो गया, तो चलें अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर, बाकी एक तो काम है वो करते हैं। गाइस टाइम हो गया है तो निकलते हैं थोड़ा सा एयरपोर्ट पे और गेट की तरफ चलते हैं। तो अभी हम इधर से निकले हैं, ये रहा एयरपोर्ट जी। अभी टाइम है हमारे पास, तो हम प्लानिंग के अभी नमाज़ पढ़ लेते हैं, ज़ोहर का टाइम भी हो गया और उसके बाद वापस आते हैं। सो वी आर डन विद नमाज, अब आहिस्ता आहिस्ता अपने गेट की तरफ चलते हैं क्योंकि तकरीबन 40 मिनट रह गए हैं
आई थिंक 10-15 मिनट के अंदर इनको अभी बोर्डिंग शुरू कर देनी चाहिए। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है देख सकते हैं आप, और बस अभी थोड़ी देर में हम भी लाइन में लगते हैं ताकि खैर खैरियत से नजफ़ अशरफ ने मौला के पास पहुँचें। चलिए जी गाइस, तो हम लोग बैठ गए हैं ये देखिए, और अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में जो है वो फ्लाइट जो है वो रवाना होगी नजफ अशरफ के लिए। जी ये है वो वीज़ा फॉर्म जो आपको चाहिए, अगर आपको ऑन अराइवल वीज़ा चाहिए, अगर आपका पासपोर्ट जो है आप उस कंट्री के पासपोर्ट होल्डर हैं जिनको ऑन अराइवल वीज़ा की एलिजिबिलिटी है, ये होटल रिजर्वेशंस होती हैं, तो ये दो चीज़ें वो मांगते हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे, बस इनको फिलअप करना है, फिर नजफ एयरपोर्ट पे जाके सबमिट करना है, और उसके साथ ही इंशाल्लाह वहाँ पर फ़ीस मांगते हैं और वो वीज़ा दे देते हैं। आपको सारा दिखाता हूँ मैं। तो हम लोग नजफ एयरपोर्ट जो है लैंड कर गए हैं, आप देख सकते हैं, बस थोड़ी देर में यहाँ से प्लेन से निकलने लगे हैं। अब हम जाएंगे सीधा नजफ एयरपोर्ट में टर्मिनल के अंदर, वहाँ पर आपको दिखाऊँगा किस तरह अगर आपका ऑन अराइवल वीज़ा आपने लेना है तो आपने क्या क्या काम करना है और किस तरह करना और कहाँ पे करना है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और स्पेशली जो KBM टूर्स के ज़ायरीन भी आ रहे हैं अरबईन पे और जो आते रहते हैं, तो उनके लिए भी वीडियोस एक रेफरेंस के तौर पे होती है कि किस तरह उन्होंने काउंटर पे जाना है, किस काउंटर पे जाना है, क्या वहाँ पर फॉर्म्स प्रजेंट करने और क्या करना है, तो देखते रहिए। जी ये भी नजफ पहुँच गए हम लोग, हमें जो है ट्रांजिट बस वो टर्मिनल पे ले आई है, और ये देखिए ये है नजफ एयरपोर्ट। अगर आप लोग नजफ एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो ये जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अब आपको अभी मैं नजफ एयरपोर्ट पे हूँ, यहाँ से एंटर होते हैं आप, तो जब आप एंटर होंगे तो ये सारा व्यू है, ये सामने जो काउंटर है वीज़ा ऑफिस, यहाँ पर आपने अपना वीज़ा और जो हमारी रिजर्वेशन है वो जमा करानी थी, लेकिन अब इन्होंने नया सिस्टम किया है अरबईन के लिए, इस ऑफिस में आपने आना है और अपनी रिजर्वेशन और फॉर्म चेक करानी है, और वो $10 लेंगे और उस पर एक स्टैंप लगाएंगे। ये किस बात के $10 हैं ये किसी को भी नहीं पता, ना वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर आपको वीज़ा चाहिए ये पे करने पड़ेंगे। तो एक तरह का समझ लीजिए कि ये नया तरीका ही है। उसके बाद आप वहाँ पर वीज़ा फॉर्म देंगे और उसके बाद आप जो हैं आराम से इधर बैठ जाएँ, आपको खुद ही ये कॉल करेंगे कि कब, अभी आपको थोड़ी देर बाद आप फॉलोअप करें। अब आप ठीक है, तो जब आप वहाँ पे वीज़ा काउंटर पे आप दे देंगे तो आपने इसके आगे जो है वो वेट करना है अकाउंट्स की, जो है ये देखिएगा ये इस तरह यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी आपके नाम की। तो अगर जैसे आपका नाम कॉल हो आप जाएं, आप फ़ीस पे करें और वीज़ा जो है वो आपको ये वीज़ा स्टैम्प करके आपका पासपोर्ट हैंड ओवर कर देंगे। तो वहाँ से सबसे पहले आपने, फिर बता देता हूँ, आपने वहाँ से एंटर होना है, ये अरबईन के लिए अभी नया सिस्टम बनाया है, ये टूरिज़म की डेस्क है, यहाँ पर जाके आपने स्टैम्प लगवानी है। पहले ये होता था कि जिन लोगों के पास होटल रिजर्वेशन नहीं होती थी उनको ये स्टैंप लगवानी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ आई थिंक ये चार्जेस ले रहे हैं क्योंकि अरबईन है, बस वो पैसे बना रहे हैं कि $10 वहाँ पे भी ले लेते हैं। उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे वीज़ा ऑफिस में आके अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है और यहाँ पर वेट करना है, जैसे वो आपका नाम कॉल करेंगे तो आप अपना पासपोर्ट ले लीजिए। ये देखिए ये पूरा है, वहाँ पर WC है, अगर वॉशरूम किसी ने जाना है, यहाँ पर छोटा सा उन्होंने स्टोर बनाया हुआ है, अगर किसी ने स्नैक्स लेने हैं, तो ये सारा नजफ एयरपोर्ट है। तो ये पासपोर्ट मुझे मिल गया है, अब मैं जा रहा हूँ काउंटर की तरफ और काउंटर से आगे बैगेज क्लेम की तरफ जाऊँगा। तो तकरीबन आधा घंटा लगा है मुझे, तो और रश काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगा कि आप लोग भी, जो भी लोग अगर इस साल आ रहे हैं, अगले साल भी आ रहे हैं, तो अरबईन पे ये होता है कि जहाँ पर 15 मिनट का काम है उसको आधा घंटा या 40 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए अभी भी रश बहुत ज़्यादा है, नजफ एयरपोर्ट पर इतना रश नहीं होता, तो चलें लेट्स गो गाइस। जी गाइस, तो अभी ये पासपोर्ट जो स्टैंपिंग होती है एग्ज़िट की वो हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ बैगेज क्लेम की तरफ, तो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जी अभी मैं उस साइड से आया हूँ और यहाँ पे आते ही ये देखिए ये सारा बैगेज क्लेम है नजफ एयरपोर्ट का, बैग्स मिल गए थे अभी। ये देखिए यहाँ से अभी हम आए हैं
वहाँ से हमने बैगेज क्लेम किया है, तो यहाँ से हम एग्ज़िट कर रहे हैं एयरपोर्ट का। यहाँ पे ये सिम की उन्होंने बनाई हुई है, इसको सिम कार्ड चाहिए। अगर किसी को टैक्सी चाहिए तो यहाँ पे ये उबर स्टाइल टैक्सी है, यहाँ पे आप बताएंगे तो वो आपको फ़िक्स प्राइस बता देते हैं कि किधर जाना है, कितने का है, और यहाँ से बस सिक्योरिटी क्लियरेंस है और फिर आप बाहर। तो अभी ये बस एयरपोर्ट से निकले हैं, हम जब भी आ गए, हम जब हमारा टीम मेम्बर है के वी एम टूर्स, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी 2-4 मिनट हुए निकले हुए और पसीने आना शुरू हो गए हैं, लेकिन तहरवीन के दिन है। तो ये वीडियो जो है आई गेस इसको होटल जाके एंड करते हैं, ताकि अगला जो व्लॉग है वो भी आपको अपलोड करके दिखा सकें। साथ साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गोल है अरबाइन 2023 पूरा आपके साथ, ज्यारत करनी है, आपको इस सफ़र का हिस्सा बनाना है, और हमारे यूट्यूब पे हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए। जी तो गाड़ी में बैठ गए, जब लेने आया हुआ था, अब चल रहे हैं होटल। जी ये अभी हम लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट से, और ये एयरपोर्ट की एग्ज़िट पे भी इतना ज़्यादा रश है, और अभी ये सिर्फ गाड़ियों की एग्ज़िट है, जो बसेस का एग्ज़िट है वो टोटली सेपरेट है, और वो भी जैम पैक था जब हम आ रहे थे, तो मैं देख रहा था। ये देखिए जी, ये मशी जो है वो अंदर लोकल शुरू हुई हुई है, और ये सब मौला अली के रोज़े पे जा रहे हैं, वहाँ से ज़्यारत करेंगे, और फिर मौला हुसैन के रोज़े की तरफ, करबला की तरफ ये मशी जो है वो शुरू हो जाएगी माशाल्लाह। ये देखिए छोटे छोटे मौके बने हुए, अंदर वाली साइड भी मशी हो रही है। आ गए अंदर, अंदर से मिले के आया हम जब, क्योंकि मेन रोड जो है पूरी जैम पैक्ड है। ये हमारा होटल है सैला लैंड, और ये यहाँ से ये मेन रोड है, तो चलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा होटल है सैला लैंड, चलिए। ये देखिए जी, ये है हमारा होटल सैला लैंड, हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन, और आपको व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ये है हमारे रूम का व्यू, ये सामने शरह रसूल वाली जो चेक पॉइंट है, और ये रहे हम। तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, पहला व्लॉग था इसको, मैं कोशिश करूँ बहुत ज़्यादा लंबा मैं ना ही करूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल से आपको और डिटेल्ड और अरबईन के रिलेटेड, क्योंकि मैं नजफ़ में आ गया हूँ, तो नजफ़ के व्लॉग्स कल से शुरू हो जाएंगे, तो देखते रहिए। बहुत शुक्रिया याली मदद, तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अरबईन की सारी डिटेल्स इंशाल्लाह हमने इस चैनल पे अपलोड करनी है, और इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप विजिट कीजिए, क्योंकि हमारे लकी ड्रॉ हो रहे हैं, और इन्हीं अरबईन की सीरीज़ के दौरान 5 ऐसे लकी ज़ायरीन होंगे जो हमारे साथ आयाम फातमिया पे हमारे December 2023 के ट्रिप में जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए, क्या पता हमारे साथ इंशाल्लाह दिसंबर में जाने वाले मोमिन में से एक आप हो। खुदा हाफिज़।